उत्तर प्रदेश के आगरा में दबंगों ने रंगदारी नहीं देने पर एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने पहले घायल युवक के भाई पर तमंचे से वार कर रहे थे। जब युवक का भाई बीच बचाव करने पहुंचा तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। चित्राहाट थाना क्षेत्र के चतुर्भुजपुरा गांव का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये था अपना घर बनवा रही थी वहाँ पे गांव में। तीन लड़के आए, इसका नाम, एक का नाम प्रभुदयाल, उसका भाई कठेरिया और करु और कांता। ये आके बोले रुपए दे। मैंने किस बात के कि तू यहाँ हमारी गुंडागर्दी चलती है या मेरा जूता पोछता, मुझे रुपए चाहिए। तो उसने मेरे तमंचे की बट मार दी हाथ में। मेरा भाई आया, मेरे भाई ने उसको कॉलर पकड़ा, उसके भाई ने उसको गोली मार दी, कंधे पे गोली लगी। और बोलते हैं कि पुलिस तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मेरा हम लोग गुंडा है, हम लोग थाने में 1,00,000 रुपए देते हैं। अभी 20 दिन पहले उसने गोली चलाई थी गांव में, पुलिस आई थी, पकड़ के ले गई और 2 घंटे बाद छोड़ दिया पुलिस ने उसको। ये है उनका मैटर। इसकी कहां गोली लगी? इसके कंधे पे गोली लगी है यहाँ पे।